नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं मुसल्लापुर हाट के एक लॉज में और यहाँ पर जो कई छात्र हैं, लगभग 150 से 200 की संख्या में छात्र हैं जो लोग अपने घर से चलकर यहाँ आए हैं और एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई बार एग्जाम देते हैं, सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा समय आता है जब छात्रों को सड़कों पर उतरने का भी नौबत आ जाता है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जिस तरीके से धांधली का आरोप लगाया गया, बहुत कुछ हुआ। लगातार खबरें हम न्यूज़ फॉर्मेशन के माध्यम से दिखा ही रहे थे आपको। लेकिन अब हम आए हैं छात्रों से बात करने कि छात्रों से बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है उनका क्या कुछ गड़बड़ी हुई है। और कई शिक्षक भी हैं जो भी लपेटे में आ गए हैं। कहें साफ तौर पर जो खान सर हैं, एक बड़ा नाम है खान सर का, जो कि एक अपने पढ़ाने के टेक्निक से पूरे देश भर में भी जाने जाते हैं, नवीन सर हों प्लेटफॉर्म के, और भी कई सारे शिक्षक हैं। लगभग 6 शिक्षकों पर भी FIR दर्ज किया गया है। तो हम छात्रों से बात करेंगे कि क्या उनकी मांग है और किस प्रकार से और क्या कुछ हुआ, और शिक्षक लोग कितना, कहा गया कि शिक्षक लोग हैं जो छात्रों को भड़का रहे थे, पता नहीं कितनी सत्यता है कितनी नहीं, वो तो हम छात्रों से ही पूछेंगे। और क्या शिक्षकों के साथ हैं छात्र, क्या जिस तरीके से शिक्षक लगातार इनके समर्थन में बोले थे, क्या शिक्षकों के साथ हैं छात्र, उन पर भी बात करेंगे। तो तमाम सारे सवाल हैं, हम छात्रों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? तैयारी रेलवे का कर रहे हैं। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बवाल हुआ था, इस बवाल पर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से, क्या कुछ धांधली हुई थी, क्या कुछ है? देखिए, रेलवे, पहली बात है रेलवे अपना मनमानी कर रहा है, ठीक है। वो पहले स्टूडेंट जमीनी तौर तरीके से नहीं काम करती है कि आप स्टूडेंट के माहौल में जाइए, बात करिए किस तरह से वो तैयारी करते नहीं करते। आप अपना रूल बना देते हैं कि नहीं यही करना है वही करना। आप बोले 20 गुना रिजल्ट देंगे, 7 लाख होना चाहिए या 3.5 लाख दिए हैं रिजल्ट, और ऊपर से एक ही लड़के का 4-4 रिजल्ट दिए। एक मेरा ही दोस्त है जिसका रिजल्ट में उसको 61 नंबर था और उसका घट के 31 नंबर हो गया है। बताइए कई किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अच्छा, एक और सवाल लेना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि शिक्षक भड़का रहे हैं, देखिए सर कितनी सत्यता है। देखिए, ये चंद नेता लोग जो है ना, ये अपने आप को चंद रूप समझते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि हम लोग ग्रेजुएशन करके किसी दूसरे के बात पे रहेंगे, और आपको लगता है कि कोई टीचर ऐसा शिक्षा देगा, ऐसा जो शिक्षा देगा हम लोग उससे पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बोलता है कि ऐसा करिए। लगातार जो है छात्र हैं जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं रेलवे ने भी रखा है कि हम लोग कमेटी बनाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो कितना इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, पहली बात इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार की जो नीति है, ठीक है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, और सरकार की नीति है, पूर्णतः यह नीति है कि जॉब देना ही नहीं लगे, चाहे हर एक सेक्टर में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो। और जहां तक रेलवे की बात है, तो देखिए 2019 में जब चुनाव था, तो चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए 2019 में वैकेंसी निकाली गई, ठीक है, क्योंकि उसमें चुनाव था और आचार संहिता से पहले शायद वैकेंसी निकाली गई थी। अब बताइए कि चुनाव का रिजल्ट Within 2 and 3 days में वो रिजल्ट दे देता है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए 3 साल का ये डिले किया गया, और जानबूझ के डिले किया गया ताकि फिर इसको 24 में ले जाए, 24 में फिर लोकसभा का चुनाव है इसको लेकर। और बच्चा बदलाव की बात, तो ये कहाँ का नियम है कि पारदर्शिता को देखते हुए कहाँ का नियम है किसी लड़के को 25 नंबर बढ़ा दिया जाता है, किसी लड़के का 10 नंबर घटा दिया जाता है? नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझाना चाहिए ना पहले, नॉर्मलाइजेशन क्या है। दूसरी बात है, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में अगर आपको 2 एग्ज़ाम लेना था तो पहले नोटिस करते हैं कि हमको 2 एग्ज़ाम लेना है। आप एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले बताते हैं कि 2 एग्ज़ाम लेना है, ये तो कहीं से पारदर्शिता नहीं है। और सिंपल सा बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नीति ही नहीं है कि रोज़गार दें, शुरू से ही ऐसा मेंटलिटी बना के रखा है कि रोज़गार ना दें, और इसलिए बार बार लड़कों को परेशान कर। बच्चा टीचर की बात, टीचर एक भी ऐसा पटना का टीचर नहीं है जो कि बोले हैं फिजिकल प्रोटेस्ट, डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कहा और डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ भी, लेकिन लगातार ट्वीट किया गया था, लगातार ट्वीट, लगभग 80-90 लाख ट्वीट हुआ, और उसके बाद भी जो हमारा जो गवर्नमेंट है मोदी सरकार, वो बोलती है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल ये, डिजिटल वो, डिजिटल कुछ नहीं है। 90 लाख के ट्वीट के बाद बहरी गवर्नमेंट और निकम्मा रेल मिनिस्टर नहीं सुना, ठीक है। और जब फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आई, तो फिजिकल प्रोटेस्ट में भी हम लोग जब राजेंद्र नगर गए थे तो वहाँ पे कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण से रूप से, और वहाँ के RPF भी ने हम लोग को कॉपरेट किया। लेकिन उसके बाद जब पटना का DM आया चंद्रशेखर, वो उनके आने के बाद, ठीक है, एक्शन लिया गया,
छात्रों को जबरन पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सीतामढ़ी का ही घटना देख लीजिए, वहाँ पर लड़कों पर फायरिंग किया गया है, लड़का बचा अपने नसीब से, लेकिन लड़कों पर गोली चलाई गई है। और जहाँ तक टीचर का बात है, किसी टीचर ने फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए नहीं कहा, और हम लोग टीचर के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और पुरजोर तरीके से रहेंगे। किसी के कहने न कहने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करेंगे कि मांग जो है आप लोग की आगे जारी रहेगी, क्या इसी प्रकार आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? जी बेशक, हम लोगों का जो मांग है वो आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा। ये जो है एक टालने का एक मतलब टाल दिया गया है, चुनाव जो है सामने नज़दीक चुनाव है, इसलिए चुनाव को मद्देनजर देखते हुए इसको टाल दिया गया कि मार्च में रिपोर्ट आएगा, ये होगा फलना ठिकाना। लेकिन ये सब हमको जैसा लग रहा है कि ये सब टालने का तरीका है, एक बच्चों को मतलब दूसरे मतलब तरीके से मतलब डाइवर्ट करने का तरीका है, हम लोगों को जो शांत करने का एक नया नुस्खा लाया गया है, ताकि मार्च में एक कमिटी। 4 मार्च तक का टाइम दिया गया है और 10 मार्च को लगता है लगभग चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। उसमें हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, देखिए 4 मार्च को इसलिए टारगेट किया गया है, जब आपके चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहावत है, आप अगर गलत नहीं है तो अटेंडम आप क्विक एक्शन लीजिए, कमिटी बैठाने का क्या। अब ये लोकसभा से कोई बिल पास हो रहा है या राज्यसभा से कोई राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू हो रहा है, आपने गलती की, आप एक्सेप्ट कीजिए, हाँ हम गलती किए हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। 1 महीने का टाइम इसलिए लिया गया क्योंकि यूपी का चुनाव, और जानते हैं कि अगर हमको सत्ता मिलना है तो यूपी से ही गुजर के जाना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के यूपी चुनाव तक टाला गया है। यूपी चुनाव जैसे खत्म हुआ फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर एग्जाम होने से होने नहीं वाला। सरकार क्या करी थी, आज 5 कमेटी का गठन किया। हाँ, 3 से 4 साल से क्या करे, सोई हुई थी सरकार, 3-4 साल से सोई हुई। हाँ, आज आंदोलन के दौरान उसको पता चलता है कि इस कमेटी का गठन कर रहे हैं हम, अब 4 तारीख को घोषणा किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जो शिक्षक लोग को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक दो ऐसे भी नाम हैं जो कि बहुत अच्छे, जैसे नवीन सर हुए प्लेटफॉर्म कोचिंग के, शिक्षक सब सही है, कोई शिक्षक खराब नहीं होता है, ठीक है। ये लोग नेता लोग जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम ही हैं, बाकी कुछ नहीं। वो जो लिख दिए वही संविधान है, वो जो कलम चला दी वही तुम्हारा भविष्य है, ऐसा होता है बताइए? बोल रहे हैं कि ये सर करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कितना गार्जियन, मान लीजिए कितना गार्जियन आपको पैसा देगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बार बार आप गार्जियन से कहिएगा, मामूली किसान का घर से रहिएगा, आप क्या कहिएगा कि बार बार हमको पैसा दीजिए, कितना महंगाई है अभी बताइए। क्या हिंसा सही है या फिर अपने पुराने आदर्शों को लेकर के जाएंगे, उस तरीके से ही आंदोलन करेंगे? हिंसा देखिए, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हिंसा करें, हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते हैं, क्यों करें भाई, हम लोग को खुद रेलवे में नौकरी करना है, क्यों जलाएंगे रेलवे प्रॉपर्टी, किनका है, हम ही लोग का है ना, सरकार का चीज़ है जो हम ही लोग का है, हम ही लोग का टैक्स से लिया जाता है, जो भी रहता है टैक्स से ही होता है ना, क्यों जलाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं चाहता है, आप उसका समाधान करिए, आप अपने तरीके से रूल बनाते हैं, अपने तरीके से लागू कर देते हैं, उनसे पूछिए कि क्या ये सही है या नहीं। आप ग्रुप डी का नौकरी देते हैं, उसमें 2 एग्ज़ाम लेते हैं, आप IAS का तो नहीं, झाड़ू लगवाइएगा, पटरी साफ करवाइएगा, पटरी पे रात में ड्यूटी दीजिएगा, आप कहिएगा कि 2 एग्ज़ाम लेंगे, CBT 2 लेंगे, यही सब है। और ट्रेन जलाना बिल्कुल गलत बात है और पटरी उखाड़ना बिल्कुल गलत बात है, हम इसके विरुद्ध में हैं, पर अगर हम पे अगर फायरिंग करती है पुलिस तो उसके आवाज़ में हम क्या करें, सीना टांग कर सीधा खड़ा रहे या फिर पीछे भागें तो पत्थर उठाएंगे, और पत्थर उठाएंगे तो पत्थर मारेंगे ही, पत्थर मारने में किसी को लग जा रहा है तो आप बोल रहे हैं कि भाई हम तो पत्थर मार रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी लड़कों पर पहले पत्थर चलाया गया, उसके बाद स्टूडेंट ने पत्थर चलाया, आप भिगना पहाड़ी का ही बात ले लो, पहले पुलिस के द्वारा पत्थर चलाया गया, उसके बाद स्टूडेंट ने पत्थर उठाया, हमारे ऊपर पानी फेंक रहे थे, आंसू से गोले छोड़े जा रहे थे, फायरिंग हवाई फायरिंग हो रही थी, लाठी चार्ज हो रही थी, हम स्टूडेंट नहीं है, हम आतंकवादी हैं, जम्मू कश्मीर चल रही है, 144 धारा लगा दे सर आप, फिर तो आप है ना। अच्छा आप ये बताइए कि सबसे पहले सर, जब पुलिस ने सबसे पहले लड़के को वार किया, सबसे पहले अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी कर रहा है, तो पुलिस को उस धरना प्रदर्शन में सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि लाठी लेके पहले पुलिस ही पत्थर चलाए, और पुलिस कभी आपने देखा है कि पुलिस पत्थर उठा के बच्चों पे चलाए, लेकिन पुलिस ने पत्थर उठा के बच्चों पे चलाए, तो बच्चे क्या करें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ आप कुछ कह रहे थे, आप बोल रहे हैं कि बच्चे लोग ईटा चलाते हैं ढेला चलाते हैं, तो भाई हम लोग ठीक है, हम लोग अनपढ़ है उतना नहीं पता है, हम लोग ईटा चलाते हैं ढेला, आप तो प्रशासनिक सेवा में हैं जी, अब बिहार पुलिस है BMP में है, आप क्यों ढेला चलाते हैं, आपको कौन ऑर्डर दिया है ढेला चलाने का? अगर आप देखिए आप पढ़े लिखे हैं सर्विस करते हैं, आप उनसे बात करिए भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, अब अच्छे से उनसे बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, आदमी देखिए बात आप
पहले ढेला चला दीजिएगा। मेन बात होता है ये लोग नेता लोग का प्रेशर रहता है कि वहाँ से हटाना है, ये लोग को हटाओ, यही कारण से ये लोग ढेला चलाता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ढेला चलाता है, मार दिया पुलिस वाला, परसों की बात है, यहीं पे देखे नहीं मार रहा था, आप लोग को भी प्रेस वाले को भी मार रहा था। पुलिस का इतना गलत रवैया, उनका लैंग्वेज जो है ना, पहले तो गाली दे के ही बात करें और जो मन में है वही करता है। बस स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए ही कानून है, बाकी किसी के लिए नहीं है, जो सरकार में उसके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ही कानून है और किसी के लिए कानून नहीं है, ऐसा कहना है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल लेंगे और सबसे हम बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग पूरी बातों को रखें, हम भी आए थे आपसे कि क्या समस्या है, कितना क्या कुछ है उसको सुनने के लिए। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि आंदोलन जो है, आंदोलन जो छिड़ गया है, परसों से छिड़ गया है लगातार जो है, कल कहा जा रहा है कि बिहार बंद भी कर रहे हैं छात्र, कई जगहों से ऐसी बात भी सुनने में आ रही है, तो क्या आंदोलन जारी रहने वाला है? सिंपल, सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन जारी रहने का ये तरीका है कि अभी भी हमें इस गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है। या तो कोई बड़ा नेता आके, प्रधानमंत्री जी आके ये बोले, आश्वासन दे न्यूज के सामने कि हम बच्चों को, स्टूडेंट को आश्वासन दे रहे हैं कि हम रोजगार देंगे और भी आगे रोजगार के अवसर देंगे और ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको हम पुनः जल्द से जल्द फाइनल करने का काम करेंगे, तब हम लोगों को विश्वास होगा, अन्यथा अभी इस गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि आगे भी आंदोलन जारी रह सकता है। ठीक है, आगे भी आंदोलन जारी रह सकता है, रह सकता है। हमारी चार मांगे, अगर इनको पूरी नहीं किया गया तो सर कल आंदोलन बहुत ही प्रचंड होगा। मैं आपकी पहली बार बता दूं सर, हमारी चार मांगों में ये मांग है सर, एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रदर्शता लाया जाए। किस तरह आपने रिजल्ट को जारी किया, किनको जारी किया, कैसे किया बताएं। सीबीटी 2 ग्रुप डी की कैंसिल करें, हमारे जितने भी टीचर गनों पर, जितने उनके ऊपर जितने भी केसेस दर्ज हैं सबको कैंसिल करें, और जितने भी लड़के अब तक पकड़े गए हैं जेल में उनको बिना कार्रवाई उनको बाइज्जत बरी किया जाए। अगर ये चारों मांगों को पूरी किया जाता है तो किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आप अपनी सरकार अपने सरकार चलाने में ध्यान दें, हमें और कोई मतलब नहीं है। क्या आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जारी रहने का पीछे कारण है, देखिए हमारे शिक्षकों को टारगेट करना बंद किया जाए, नहीं तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को हम लोग टारगेट करेंगे। ये हम लोग का सीधा संदेश है, क्योंकि जिसको हमने चुन के बैठाया है अगर वो गुंडागर्दी करेंगे तो फिर तो हमको तो चुनने का अधिकार है उसको, तो उनको तो फिर हम छीन के उतारेंगे जहाँ हम बैठाए हैं। ये सीधा संदेश सरकार के पास जाना चाहिए कि अगर आप मेरे शिक्षकों को टारगेट करेंगे तो हम अपने चुने गए जनप्रतिनिधि को टारगेट करेंगे। ठीक है, रोजगार के मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री को लीजिए, आज तक कभी भी, इतने 7 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे हैं मोदी जी, लेकिन आज तक रोजगार के मुद्दे पे कभी 2 मिनट वो बहस नहीं किए, 2 मिनट की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रोजगार के बारे में चर्चा ही नहीं करना है। ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही मूव किया जा चुका है। ठीक है, और ये चाहती नहीं। और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, रोज जब चुनाव हुआ था, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 2021 में जो विधानसभा का चुनाव, उसमें बीजेपी और जेडीयू अलायंस थी, उसमें 19 लाख रोजगार की बात किया गया था, अभी 10 लाख का किया था, तो इसके एवज में 19 लाख बोले थे, 19 लाख देंगे। 1.5 साल बीत चुका है, अभी तक कुछ रोजगार के बारे में भी चर्चा नहीं किया जा चुका है। इधर आ जाइए, एक और सवाल रहेगा कि क्या छात्रों को किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है? क्या छात्र किसी राजनेता के तले जाएंगे या अकेले ही संघर्ष करेंगे? जी नहीं, हम लोगों को फिलहाल अभी कोई राजनेता और या किसी भी मतलब पार्टी की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद ही इस आंदोलन को शुरू किए थे और हम लोग खुद ही इसको लड़ेंगे। ठीक है, और जहाँ तक रह गया लोगों के सपोर्ट का, तो लोग जो भी देख रहा, सच्चाई जो जान रहा है, वो हम लोग को सपोर्ट कर ही रहे हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। फिलहाल हम लोग इसको खुद से लड़ेंगे और खुद ही इसको मतलब जहाँ तक हो इसको खुद ही मतलब ये करेंगे। अच्छा, कुछ पार्टियां हैं जो, जैसे कि आरजेडी की बात की जाए जो कि विपक्ष में है, और पप्पू यादव भी कल गए हुए थे रेलवे आरआरबी के जो मुख्यालय है यहाँ गए हुए थे, तो क्या लगता है कि इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है या समर्थन में? ये नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट के मतलब मामले में ये सब राजनीतिक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रहा है, हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आया तो कोई अपना वोट के लिए कर रहा है, कोई अपने वोट के लिए चेहरा चुनाव में, बहुत सारे वोट चुनाव के लिए आ गया, तो देखिए स्टूडेंट को जो है ना किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा स्टूडेंट का समर्थन पार्टी को चाहिए तो हम लोग रोजगार दे, रोजगार दे तब समर्थन मिलेगा, तभी समर्थन मिलेगा। अगर रोजगार नहीं दिया तो फिर वही होगा, आज रेलवे तोड़ा जा रहा है, कल ये तोड़ा जा रहा है, ये हिंसक रूप
स्टूडेंट नहीं लेता, उसमें कुछ उपद्रवी घुस के हिंसक रूप ले लेते हैं। किसी टीचर के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, बार बार सरकार इस चीज़ को समझे। और सरकार का ये मेंटलिटी है कि जानबूझ के टीचर को टारगेट करो, स्टूडेंट खुद घर बैठ जाए, घर बैठ जाएगा। मतलब जो अध्यापक जो हैं, जो जैसे खान सर हो गए, तो इन लोग का एक बड़ा नाम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट करके आप लोग को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही थॉट ही है, यही थॉट ही है। आज एक भी ऐसा वीडियो या एक भी ऐसा स्टेटमेंट खान सर का बता दीजिए, खान सर बोले होंगे या एस के झा सर या नवीन सर बोले होंगे कि जाओ प्रोटेस्ट करो, कभी ऐसा नहीं बोले हैं। कोई भी शिक्षित इंसान, आप खुद सोचिए कि एक ग्रेजुएट लड़का चाहेगा कि हम कलम छोड़ के हथियार उठा लें? वही तो मेरा भी सवाल है कि वही पकड़ रहे हो जो छात्र जो गांव से दूर दराज से आता है और पटना में एक रूम लेकर के रहता है, रेंट देना होता है, हर तरह की कठिनाइयां होती है, कलम पकड़ता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद उनको ऐसा क्या नौबत आ रहा है कि जो पत्थर उठाने तक की बात हो जा रही है, हिंसक मतलब आंदोलन करना पड़ रहा है, कितना मतलब ये पीड़ादायक है बताना। लेकिन यही है कि हम लोग सर एक ही जवाब है सर, हमने ही सर 2014 में मोदी जी का झंडा भी उठाया है। अब समझ लीजिए सर, अगर हमें इस बार 2022 में रिजल्ट अगर नहीं होता है, किसी तरह का अगर रोजगार नहीं मिलता हमें, अगर मैं अगर किसी नौकरी के लायक नहीं हूँ, अगर मैं रिजल्ट क्वालिफाई नहीं करता हूँ, मुझे मंजूर है, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं रिजल्ट के लायक नहीं हूँ, पर अब वैकेंसी निकालो, अब वैकेंसी तो निकालो, आपके पास इतने पोस्ट ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशन है, सेंट्रल में जॉब है, सचिवालय है, बिहार सचिवालय को आप देख लीजिए, 2017 से बहाली आ रही है, आ रही है, आ रही है, लगातार 18, 19, 20, 21, 22 हो गया सर, अब सचिवालय के बारे में कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है, पिछला सचिवालय के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो फॉर्म किसका भरे हैं? हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खान सर से पढ़ रहे हैं, नवीन सर से पढ़ रहे हैं, सबसे पढ़ लगातार पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ाई ही खत्म हो चुका है, अब कोई कोर्स ही नहीं बचा, पढ़े क्या, पर इसका उपयोग कहाँ करें? अब इसको मतलब पढ़ने के बाद जाकर हम भी आलू ही रोपे तो भैया तो ठीक है, तो ढेला उठाकर मार के जाएंगे आलू रोपने, अपने लड़के जाएंगे आलू रोपने के लिए, जब आखिरी ही है तो इसको आखिरी ही बनाया जाए। बिल्कुल, छात्र जो हैं, अब आंदोलन की बात करें, जो एक आंदोलन छिड़ा है, जेपी हाँ। नाम सुने होंगे जेपी हाँ, का आप लोग, पटना से ही हुआ था, छात्रों के हित में हुआ था, बिहार से ही हुआ है, बिहार से हुआ से यार किसी बीएन कॉलेज से स्टार्ट हुआ, बीएन कॉलेज से स्टार्ट हुआ, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो क्या छात्र जो हैं उस तरीके से भी आंदोलन करने जा रहे हैं, या क्या हिंसक आंदोलन रहेगा, या जो जिस प्रकार से कई जगहों से यह भी देखने को मिला कि ट्रेन जला दिया गया, आप लोग को उसी में नौकरी भी करना है, रेलवे में भी जाना है, तो क्या हिंसा सही है या फिर अपने पुराने आदर्शों को लेकर के जाएंगे उस तरीके से ही आंदोलन करेंगे? हिंसा देखिए, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हिंसा करें, हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते हैं, क्यों करें भाई, हम लोग को खुद रेलवे में नौकरी करना है, क्यों जलाएंगे रेलवे प्रॉपर्टी, किनका है, हम ही लोग का है ना, सरकार का चीज़ है जो हम ही लोग का है, हम ही लोग का टैक्स से लिया जाता है, जो भी रहता है टैक्स से ही होता है ना, क्यों जलाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं चाहता है, आप उसका समाधान करिए, आप अपने तरीके से रूल बनाते हैं, अपने तरीके से लागू कर देते हैं, उनसे पूछिए कि क्या ये सही है, यानी आप ग्रुप डी का नौकरी देते हैं, उसमें दो एग्ज़ाम देते हैं, आप आईएएस का तो नहीं झाड़ू लगाइएगा, झाड़ू लगवाइएगा, पटरी साफ करवाइएगा, पटरी पे रात में ड्यूटी दीजिएगा, आका कहिएगा कि दो एग्ज़ाम लेंगे, सीबीटी 2 लेंगे, यही सब है। और ट्रेन जलाना बिल्कुल गलत बात है और पटरी उखाड़ना बिल्कुल गलत बात है, हम इसके विरुद्ध में है, चुने गए जनप्रतिनिधि को टारगेट करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए ये जो टीचर लोग के ऊपर केस किया गया है, अभी तो कंफर्म नहीं है कि केस FIR दर्ज किया गया है पत्रकार नगर थाने में, हम बता दे रहे हैं आपको, पत्रकार नगर थाने में छह टीचरों पर FIR दर्ज किया है, कुछ छात्र थे जिन्होंने उनका नाम लिया है, कुछ छात्र जो पकड़े गए थे उन्होंने कहा है, उनके द्वारा पता नहीं कहा गया कहलवाया गया जो भी है, उनका कहना है कि जो ये प्रमुख छात्र प्रमुख शिक्षक हैं उनके द्वारा हमें वर्ग लाया गया, पता नहीं क्या कुछ है ये बताइए, 1 करोड़ से ऊपर है विद्यार्थी, उसमें दो विद्यार्थी कह दिया कि खान सर बोले हैं तो मान जाइएगा, अब पुलिस का देखिए उसका दिया है ना स्टेटमेंट कि सर बोले, ये हो सकता है जबरदस्ती किया हो उनके साथ, आप बात करें जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे जाके आप बात करिए, कोई प्रशासन का आदमी जाए अब बोले कि खान सर बोले ये बोले हैं, अगर वहाँ बोल दिया जाए के कहने पर अगर केस हो सकता है तो हम लाख स्टूडेंट मिलकर साइन करके अपील करते हैं पटना हाई कोर्ट में, अब केस वापस ले लें, हमारे टीचर को छोड़ दिया जाए, हमारे स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, बस अगर आपको कल का अगर माहौल शांत करना है, कल बिहार बंद करने से रोकना है तो इतना तो बिल्कुल आपको करना ही होगा सरकार को, वरना उसकी भागी खुद सरकार होगी, स्टूडेंट का कोई गलती इसमें नहीं होगा।
देखिए, अगर ऐसा रहे कि दो विद्यार्थी कहने से, ऐसा भी तो हो सकता है कि विद्यार्थी को टॉर्चर करके उसे बुलवाया गया होगा, और ऐसे भी वो बयान वैलिड नहीं होगा, वो जज के सामने बुलवाया जाता है, आर्टिकल ऐसा कहता है कि जो भी पुलिस के सामने दिया गया बयान उस बयान को वैलिड नहीं माना जाता है। अगर दो लड़के के कहने से ऐसा हो तो हम लोग तो करोड़ों करोड़ है। पहला जो होना चाहिए पटना के DM पे होना चाहिए, उसी पे FIR होना चाहिए, क्योंकि लाठी चलाने का आदेश उन्होंने ही दिया है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि शिक्षकों को और छात्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है सर? इसमें शिक्षकों को कोई गलती नहीं है, जहाँ तक है सब लड़के के ही सवाल है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उपद्रव करे कुछ भी करे इसका कोई जिम्मेवारी थोड़ी नहीं। अब लड़का कितना संभाल सकता है, लड़का 2, 4, 10 जाएगा, अब कोई आकाश आ जाए तो जो भी हो आगे कोई उपद्रव करे तो इसमें तो लोग शामिल हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि शिक्षक जो हैं लगातार इस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे कि जिससे छात्र जो हैं वो शिक्षक, जहाँ तक शिक्षक की सवाल है, सब कोई अपने बाप संभाला है, हर एक बच्चे को कोई भी कोई नहीं बोला कि तुम जाकर उपद्रव करो। देखिए 9 मिलियन ट्वीट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके जिम्मेवार क्या सरकार की आंखों में नहीं गए? वहाँ पे देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले रेल मंत्रालय कि हम जून से सितंबर में नोटिफिकेशन निकाले थे, नोटिफिकेशन में निकालते जून से सितंबर तक हम एग्जाम ले लेंगे, और अब बोल रहे हैं कि 4 साल का टाइम लगता है। बताइए 4 साल का टाइम लगता है, उस टाइम क्या नोटिफिकेशन का नहीं दे रहे थे? जब निकला था नोटिफिकेशन एग्जाम का तो जून से सितंबर 2019 के जून से सितंबर तक निकला था, ठीक है। और आज देखिए कि 4 साल बीत गया विगत वर्षों में, अब बोल रहे हैं कि 4 साल लगता है। इतने बड़ी पॉपुलेशन में 1112 लगभग होगा पॉपुलेशन यूपी का, तब चुनाव हो जा रहा है, 11 से 12 मिलियन से आसपास होगा, तब चुनाव हो जा रहा है यहाँ पे, उतना भी सवा करोड़ में नहीं जारी रहेगा। आंदोलन का क्या मतलब, आंदोलन जारी रहेगा, शांत तरीके से जारी रहेगा, कोई मतलब थोड़ी शांत तरीके से जारी रहेगा, नहीं हिंसक, हिंसक कभी बातें नहीं होता है, हिंसक का लड़का कभी हिंसक करिए नहीं सकता, करिए नहीं सकता, बात रहा तो कोई अब पढ़ सकता है राजनीति इसमें। हाँ, राजनीति अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कौन आया कौन नहीं आया, कैसे लड़कों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, रेलवे है, इससे बड़ी कोई संस्था है नहीं भारत में, तो सब लड़कों की संख्या तो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, हाँ भैया, आंदोलन जारी रहेगा, जारी तो रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कंटिन्यू ही रहेगा। चलिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छात्रों का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। हमने बात करने की कोशिश की क्या शिक्षक जो हैं आपको भड़काने का काम कर रहे थे, जिस तरीके से FIR दर्ज किया गया है, पटना के पत्रकार नगर थाने में 6 शिक्षकों का नाम दिया गया है, कहा गया है कि कुछ छात्र थे जिन्होंने यह गवाही दी है कि हाँ जो शिक्षक हैं उन्होंने हमें भड़काया है। हालांकि जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की, जब हम आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ये पूरा छात्रों से भरा रहता है, और छात्र यहाँ आते हैं दूर दराज गांव से आते हैं और तैयारी करते हैं, एक छोटा सा कमरा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन भर मस्त रहते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की क्या कमियाँ थी जो छात्र जो हैं जो कलम उठा रहे हैं उन्हें ईंट पत्थर उठाने की जरूरत पड़ गई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे जो हैं उनको समझना चाहिए सरकार को, हमें रोजगार देना चाहिए, जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।